अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फारूक है। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है, दैट इज़ फीटल मूवमेंट्स, यानी माँ के पेट में बच्चे की हरकत। अब एक औरत, हमला औरत को पता होना चाहिए कि उसको बच्चे की मूवमेंट्स कितने मंथ्स पे स्टार्ट होगी। याद रखिए, पहले 4 मंथ्स यानी कि पहले 4 माह बच्चे की हरकत ना होने के बराबर होती है। अराउंड 16 to 18 वीक्स एक हमला औरत को बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है। वो मूवमेंट भी आपको बहुत लाइटर फील होगी, लाइक ब्लॉटिंग, या आपको लगेगा वेव्स की तरह आपके पेट के अंदर कोई चीज़ तैर रही है, या आपको ऐसे लगेगा जैसे हल्की सी टक टक इस टाइप की मूवमेंट हो रही है, और वो भी 24 आवर्स में आपको 1 से 2 बार फील होगी। आपने पहले 4 से 5 माह बच्चे की हरकत के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब जब एक औरत 7 मंथ पे पहुंचती है, दैट इज़ द टाइम जब आपने अपने बच्चे की हरकत पर 100% फोकस रखना है कि अब उसकी हरकत का पैटर्न क्या है। हर बच्चे की हरकत का पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का पैटर्न होता है, शुरू से उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है और एंड ऑफ 9th मंथ उसी तरह ही कंसिस्टेंट उनकी मूवमेंट जाती है। सो, जो बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न एक दफ़ा सेट हो जाता है, वही पैटर्न उसका थ्रू आउट 9 मंथ्स रहना चाहिए। अगर एज अ प्रेग्नेंट वुमेन आप थोड़ा सा भी उसमें चेंज फील करती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगी कि आप घर बैठे ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकती हैं कि आइदर आपके बच्चे की हरकत कम तो नहीं हो रही। 2 वजूहात की वजह से बच्चे की हरकत में कमी आ सकती है। एक बच्चे की नॉर्मल वजूहात है जिसमें बच्चे की हरकत, और कुछ एबनॉर्मल पैथोलॉजीज हैं जिसकी वजह से बच्चे की हरकत कम हो सकती है। अब जो नॉर्मल वजूहात है वो क्या है, उसमें सबसे पहले आ जाता है बेबी का स्लीप पैटर्न। बेबी 1 से 2 घंटे मदर के अंदर रेस्टिंग फेज में भी जाता है, स्लीप पैटर्न में भी जाता है, तो आपको मूवमेंट नहीं भी फील हो सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर माँ जो है उसकी इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस है, कोई एंग्जाइटी का एलिमेंट है, कोई स्ट्रेस है, एग्जर्शन है, या जो मदर है वो पूरा दिन बहुत बिजी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो आराम से एक दफ़ा बच्चे की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, तो वो भी डिक्रीज फीटल मूवमेंट की कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर बच्चे की आवल फ्रंट साइड पर आगे इंटीरियरली है, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि बच्चे की मूवमेंट एक मदर को कम फील हो। एबनॉर्मल वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ डिक्रीज आयरन लेवल्स। अगर एक औरत में खून की कमी है, तो जितनी उसमें खून की कमी है उतना ही ब्लड फ्लो एक बच्चे को कम जाएगा और उसकी मूवमेंट कम होगी। दूसरी वजह है ब्लड प्रेशर, तीसरी वजह है शुगर लेवल्स का ठीक ना होना, उसके अलावा कुछ मारूसी मसले हो, बच्चा एबनॉर्मली उसकी फॉर्मेशन है, बच्चा ठीक से नहीं बना, उसकी सारी इन वजूहात की वजह से बच्चा जो है अपनी डिक्रीज फीटल मूवमेंट का पैटर्न दे सकता है। बच्चे का पानी जो है वो कम हो, उसको उसके अराउंड स्विम करने की जगह कम है, उसकी वजह से भी बच्चे की हरकत कम हो सकती है। अब इसको हम लोग कैसे देखें कि वाकई बच्चा हरकत कम कर रहा है, तो एक औरत जब उसको ऑब्जर्व हो कि यार मुझे लग रहा है कि सुबह से मेरे बच्चे ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं की, उसे चाहिए कि वो एक्टिवली उसको ऑब्जर्व करें। एक जगह के ऊपर साइलेंट बैठे और बैठकर एक दफ़ा देखे कि क्या मेरे बच्चे की कोई मूवमेंट हुई है। अगर इन केस उसे कोई मूवमेंट नहीं है और वो डायबिटिक नहीं है, तो वो किसी अच्छे फ्लूइड का या किसी अच्छे मिल्क शेक का इंटेक करे और फिर लेटे, लेट कर या तो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड के ऊपर करवट ले और उसके ऊपर ऑब्जर्व करे कि उसकी मूवमेंट्स अब कैसी हैं। अगर औरत को इन दोनों सूरतों में मूवमेंट फील फिर भी नहीं हो रही, तो आपने देखना है कि भाई मेरी मूवमेंट 1 से 2 या 2 से 3 मूवमेंट 1 घंटे में हुई या नहीं हुई। अगर 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी उसको कोई हरकत नहीं होती, तो वो 2-2.5 घंटे के वेट के बाद अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर के ऊपर अप्रोच करें, उनसे बात करें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। एक कंसल्टेंट को बहुत खुशी होती है अगर पेशेंट उसके साथ एक्टिवली इंगेज है, अपनी मूवमेंट्स का ध्यान रख रहा है। ये एक कंसल्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा काबिले कह लें कि उसके लिए बहुत एक अच्छी जो है वो फीडबैक होता है कि वो जो मदर है वो अपने बच्चे में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है। आप जब हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं,
तो एक मदर की है, सबसे पहले अगर वो डिक्रीज फिटल मूवमेंट के साथ आई है तो उसकी फिटल हार्ट रेट को चेक किया जाता है। वो दो तरीके से किया जाता है, या डॉपलर डिवाइस से या सीटीजी मशीन से। सीटीजी मशीन के अंदर बेसिकली चार पैटर्न्स देखे जाते हैं, चार उसके पैरामीटर्स हैं। नंबर वन कि आपकी जो हार्ट रेट है वो किस तरह का आ रहा है। हार्ट रेट आपका 110 से 160 के बीच होना चाहिए। जो वेरिएबिलिटी है, यानी कि वो कितना उसका ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, वो 10 बॉक्सेस के अंदर वेरिएट करना चाहिए। एक्सेलरेशन आनी चाहिए, यानी कि बीच में एक उसका लार्ज जो है एक्सेलरेटिंग ग्राफ आना चाहिए 160 से नीचे नीचे, और कोई डिसेलरेशन ना हो। दैट इज रीअश्योरिंग सीटीजी के बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे की मूवमेंट इस तरीके से सीटीजी का पैटर्न नहीं शो कर रही, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, दैट इज डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल कराया जाता है, जिसमें प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, डॉपलर, बच्चे का पानी, बच्चे की हरकत, ये सब चीज़ों को मेजर किया जाता है। और 12 उसके नंबर में से उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जितने पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर उसके 12 में से 12 पॉइंट्स है, दैट इज़ अ रीअश्योरिंग बायोफिजिकल प्रोफाइल। और अगर कुछ नंबर कम है तो देखे जाते हैं कि किस में कम है, और उसके हिसाब से प्रेगनेंसी का प्रोग्नोसिस निकाला जाता है। सो अपने बच्चे की हरकत का खास ख्याल रखिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे की हरकत 7 माह के बाद 4 घंटों के अंदर अंदर नहीं महसूस होती, तो फौरन अपने डॉक्टर से रابطہ करिए, और अपनी और अपने बच्चे की सेहत का थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ख्याल रखें।